हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गैजेट गर्ल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महतारी बंधन योजना के बारे में। सो फ्रेंड्स, अभी अभी एक सुनने में खबर आई गाइस कि महतारी बंधन योजना का जो पैसा मिलता है, हर महीने की 1000 रुपए की किस्त मिलती है सभी माताओं बहनों को, ठीक है, यानी कि सभी महिलाओं को जो महतारी बंधन योजना का पैसा मिलता है हर महीने, 3 महीने से 3 किस्त गाइज मिल चुकी है। लेकिन अब सुनने में आया गाइज कि महतारी बंधन योजना गाइज बंद होने वाली है। क्या ये सचमुच ही बंद होगी या फिर ये एकदम फेक अफवाह है? तो गाइज आज के वीडियो में बात करेंगे पूरा विस्तार से, तो वीडियो पर बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स बात करते हैं महतारी बंधन योजना बंद होगी कि नहीं होगी। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको एक वीडियो क्लिप सुना रही हूँ, उस वीडियो क्लिप को सुनिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि सच में बंद होगी या नहीं होगी, क्या मुख्यमंत्री जी ने कहा है इस बयान में। तो पहले आप ये क्लिप सुन लीजिए। महतारी बंधन योजना के पैसा है, ये खाली चुनाव है इसलिए दे रहे हैं, इसके बाद बंद कर देंगे। तो दोस्तों आपने ये क्लिप सुनी, इस क्लिप में साफ साफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि महतारी बंधन योजना का जो पैसा मिल रहा है, 3 महीने से किस्त मिल रही है, 3 किस्तें मिल चुकी है अभी तक महतारी बंधन योजना की, तो ये बस इलेक्शन के लिए ही चलाई गई है। यानी कि इलेक्शन रहेगा तब तक ये महतारी बंधन योजना का पैसा मिलेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगी। तो गाइज इस वीडियो में साफ साफ मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री ने सच में क्या कहा है? ये वीडियो फेक हो सकता है या वीडियो में गाइज मैं आपको और भी क्लिप दिखाऊंगी आगे, क्योंकि अभी वीडियो छोटा सा सुनाया है, तो ये फेक वीडियो है गाइज, जहां तक मुझे लग रहा है ये फेक वीडियो है। और गाइज मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, हकीकत में जो बयान है मुख्यमंत्री जी का, वो भी हम आगे आपको वीडियो में सुनाएंगे। तो फ्रेंड जैसा कि आप सभी को पता होगा, महतारी बंधन योजना की अभी तक 3 किस्तें मिल चुकी है, हर महीने की 1000 रुपए की किस्त मिलती है सभी माताओं बहनों को। महतारी बंधन योजना इसलिए चलाई गई थी, जो भी महिलाएं आर्थिक स्वावलंबन वे उनके स्वास्थ्य पोषण के स्तर को सुधार करने के लिए महतारी बंधन योजना का आयोजन किया गया था। लेकिन काफी सारी महिलाएं गाइस इस योजना का लाभ ले चुकी है, लेकिन काफी सारी महिलाएं ऐसी भी है जिनको अभी तक महतारी बंधन योजना की एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है। उनके आधार कार्ड में गड़बड़ी के कारण या उनके बैंक का खाता गड़बड़ हो गया, गाइस डीबीटी लिंक नहीं है, अगर कुछ भी तरह का ऐसी गड़बड़ पाई गई है जिस वजह से वो परेशान ही चल रही है, उनको पैसा नहीं मिला है अभी तक। तो काफी सारी महिलाएं ऐसी भी है जिनको पैसा मिल चुका है, लेकिन जैसे 90% गाइस महिलाएं हैं जिनको पैसा मिल चुका है, 10% महिलाएं ऐसी है जिनको पैसा नहीं मिला है। तो गाइस जिन महिलाओं को पैसा नहीं मिला है महतारी बंधन योजना का, उन महिलाओं के लिए मैंने काफी बार वीडियो बनाई है, उन लोगों को बताया कि उन लोगों को कैसे सुधार करना है अपने खाते में, अपने खाते में आधार नंबर में, गाइस जिसमें भी गड़बड़ी पाएगी उसको सुधार करा सकते हैं आंगनबाड़ी केंद्र में। लेकिन गाइज अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी आपको सुधार नहीं कर पाएंगे, कुछ दिन तक ये अपडेट जो आया था गाइज पहले सुधार करने का, अभी ये भी बंद कर दिया गया है। हो सकता है 4-5 दिन में, इस हफ्ते भर में आ जाए फिर से सुधार करने वाला ऑप्शन, तो आप सुधार करवा सकते हैं। लेकिन गाइज जो भी पात्र महिला है महतारी बंधन योजना की, उन महिलाओं को 3 किस्त का जो पैसा आया था वो मिल चुका है। और इसके अलावा जिन महिलाओं को पैसा नहीं मिला है किसी भी कारण, तो गाइज मुझे नहीं लगता उनको पैसा मिलेगा आने वाले वक्त में। तो गाइज अगर आप सुधार करवा सकते हैं अपने जो भी आपके खाते में आधार नंबर में आपके नाम में जिसमें भी गड़बड़ी पाई गई है यदि उसको सुधार करा सकते हैं तो आप करा लीजिएगा, हो सकता है आपकी किस्मत जोर देगा जो आपको पैसा मिल जाए। तो यही आशा करूंगी आपको महतारी बंधन योजना की जितनी भी किस्तें अभी तक नहीं मिली हो, सारी किस्तों का पैसा एक साथ आपको मिल जाए। मेरी तो आप सभी के लिए यही प्रार्थना रहेगी आपको सारा पैसा इकट्ठा भी मिल जाए जिन महिलाओं को नहीं मिला है, क्योंकि काफी सारी महिलाएं ऐसी है गाइज जिनकी आर्थिक स्थिति जो गाइज काफी कमजोर है, तो गाइज उन लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए महतारी बंधन योजना का उद्घाटन हुआ, लेकिन अभी भी काफी सारी महिला इसका फायदा नहीं ले पा रही है, तो उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा दुखद की बात है। तो गाइज आज की इस वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि क्या महतारी बंधन योजना बंद होने वाली है? तो गाइज आप इस क्लिप को देख लीजिए, यहाँ पे मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं। यहाँ काफी माता बहनी मन बैठी है, कितना झंडा तीसरा किस्त मिल गए, तीसरा किस्त अभी 1 तारीख के डलवा रहे हैं, आप सब के खाता में आके सोई चेक करवा लिया, और जब तक हमन सरकार में रहो, आप मन सरकार में हमन ला बैठा के रखियो, तब तक ये महतारी बंधन योजना बंद होने वाला नहीं है, बल्कि हर महीना पहली सप्ताह में ही आप मन के खाता में जैसे 1 तारीख के डलाइस ना भी, उसने हमारे प्रयास रही कि 1 तारीख के ही हर महीना आप मन के महतारी बंधन योजना के पैसा आप उनके खाता में। सो फ्रेंड्स आपने ये क्लिप सुन ली, इसमें मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा है कि जब तक हमारी सरकार रहेगी, ठीक है, यानी कि जब तक आप हमें सरकार में रखोगे, हमारी सरकार की जय जयकार करोगे, यानी कि हमारी सरकार तब तक रहेगी जब तक महतारी बंधन योजना को कोई भी बंद नहीं कर सकता। तो
तो मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि महतारी बंधन योजना बंद नहीं हो रही है। तो ये एकदम फेक न्यूज चलाई गई थी काफी सारे लोगों को भड़काने की वजह से। इलेक्शन चल रहा है तो इस वजह से लोगों के माइंड में गलत भावनाएं पैदा करने के लिए वीडियो जो चलाई गई थी। सो आई होप कि गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।